कहते हैं, बोले हे अर्जुन मैं अज हूँ। अज मतलब मेरा जन्म नहीं है, मेरा जन्म नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जो जन्म कर्म को दिव्य अप्राकृत और अवलौकिक है। लेकिन मैं जन्म होते हुए अभी कृष्ण अजन्म आए, फिर कृष्ण फिर जन्म क्यों होते हैं? फिर ठाकुर जी ये ठाकुर के रूप में क्यों आए? ठाकुर जी बोले एक समय श्री नारद जी घर घर में गए, हर घर घर में गए, पूछे ठीक ठाक हो, समुंडी हिलाए। लेकिन जब किसकी अंदर की बात पूछे ना, देखा कोई ससुर में ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी। संसार में देखा है ना, कुछ किसी को भी संसार में देखा सुखी नहीं, सबके दुखी दुखी। इसलिए ये संसार जिसने बनाया, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं ये संसार दुखालय, संसार दुखा दुख का ही घर है। इतने में नारद जी पहुंचे वैकुंठ, वैकुंठ में पहुंचे तो देखा ठाकुर जी अनंत नाग बड़े सैन्य की हुई माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे हैं और भगवान मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया को तुमने बनाया, ये दुनिया को बनाया तुमने, बोले बनाया तुमने दुनिया को और ये संसार में सब दुखी दुखी और तुम वैकुंठ में अनंत नाग बड़े सैन्य किए हो, माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है और तू यहाँ बैठ कर मुस्कुरा रहे हो, यहाँ पर मुस्कुरा रहे हो, इसे तुम यहाँ पर मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने पूछे बताओ नारद जी क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु जी जब तक जीव तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, जब तक जीव तुम्हारी भक्ति नहीं करेगी तब तक सुख नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरी विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को भी सुख नहीं मिला। लेकिन हमारा एक धारणा है शायद ज्यादा पैसा होगा ना सुखी हो जाएगी, हम सोचते हैं ज्यादा पैसा हो जाएगा ना सुखी हो जाएगी। रावण का नाम सुने होंगे, सुनेगी नहीं? रावण का नाम कितना पैसा था? सोने की लंका। हमारा पास में कितना पैसा होगा? 1 किलो सोना, 2 किलो, 3 किलो, कितना किलो है? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, नहीं होगा ना? इसलिए रावण का पूरा लंका ही सोने की सोने हैं, सोने की लंका थी लेकिन सुखी नहीं थी। सोचते हैं कि जो अच्छी लड़की से शादी हो जाए सुखी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या? मंद मतलब होता है पतली, उदरी मतलब जो कमर पतली थी। वो विश्वकर्मा की बेटी है, सबसे सुंदर सुंदर गुण देकर उसको उसने बनाया था। वो उसकी पत्नी मेघनाथ जैसे बेटा है, इसलिए कुंभकर्ण जैसे भाई, लेकिन सुखी नहीं रहा। सोने की लंका में भी इसको चैन नहीं पड़ा। क्यों? कहता हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, क्योंकि भगवान राम से विमुख था लेकिन वहां पर एक व्यक्ति का मतलब चैन से जी रहा था और सब बेचैन से थे। एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, बताओ तो कौन है? हाँ, आप लोग पंडित लगता है। इसलिए केवल विभीषण वहां चैन से जी रहा था। क्यों? राम की शरण में गया था, प्रभु राम की भजन करता था, इसलिए वो लंका के अंदर में भी वो सुखी था। इसलिए नारद जी बोले प्रभु जब तक जीव तेरे सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, प्रभु जीवन में कभी वो सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप कृपा करके थोड़ा सेवा दो जीव को। भगवान ने बोले मैं तो वैकुंठ में हूं ना। बोले वैकुंठ किसने देखा? देखा आप लोगों ने वैकुंठ? हमने नाम सुना एक वैकुंठ कोई है लेकिन हमने वैकुंठ नहीं देखा। बोले वैकुंठ में हूं तो हूं ना। बोले बोले वैकुंठ कौन जानता है? थोड़ा नीचे उतरो, इतना ऊपर रहने पर काम नहीं चलेगा। बोले मैं स्वर्ग में तो हूं ना। बोले स्वर्ग तो हमने नाम सुना, स्वर्ग नाम सुना कि नहीं? सुना, लेकिन स्वर्ग देखा है किसने? देखा नहीं लेकिन सुने हैं। भगवान बोले स्वर्ग में मैं बामन देव रूप में। बोले प्रभु स्वर्ग किसने देखा? स्वर्ग किसे देखा ही नहीं, हम सुना है। बोले प्रभु और थोड़ा नीचे उतरो, ऐसे उन पर काम नहीं होगा। इतने में भगवान ने कहा देखो जगत में जितने जीव है, ये जीव का अंदर में एक वृक्षा है, एक वृक्षा है, उसमें दो उसमें तोता बैठा हुआ। एक वृक्ष में दो, एक टहनिया में दो तोता बैठा हुआ,
एक दो तोता कौन है, कहते एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये दो तोते एक वृक्ष की टहनिया में बैठे हुए। लेकिन एक जो तोता है ना वो खट्टा मीठा फल तो खा रहा है, लेकिन एक जो तोता है ना वो केवल साखी रूप में देख रहा है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। बोले भैया खट्टा मीठा फल को कौन खा रहे हैं, बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी, लेकिन उसमें को देख रहा है कौन, बोले परमात्मा। ये परमात्मा केवल साखी रूप में, ये केवल देख रहे हैं साखी रूप में, लेकिन किसमें इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान ने बोला जीव का हृदय में हूं ना, अभी हमारे हृदय में तो भगवान है कि नहीं ठाकुर जी, है कि नहीं, बताओ हमारे हृदय में ठाकुर है कि नहीं, है, है, लेकिन हमको अनुभूति है क्या, नहीं है, हमारे अनुभूति नहीं। भगवान बोले उनका हृदय में तो हो लेकिन अनुभूति नहीं। इसलिए फिर नारद जी बोले प्रभु इसमें भी काम नहीं चलेगा, और थोड़ा नीचे उतर। जब प्रार्थना किया ना, फिर ठाकुर जी उन्होंने किस रूप में ठाकुर जी आए, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, जुगल सरकार है, है? ये जुगल सरकार रूप में, लड्डू गोपाल रूप में, राम रूप में, नारायण रूप में ठाकुर जी जगत में आए, ठाकुर जी आए हैं, आकर के हम जो भगवान को हैं कहते यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि, भगवान की चरण कैसे दर्शन, बोले ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की चंद्र छटा को भी जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, हैं कहते कहते शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाही निरंतर ध्यान। लेकिन आज वो भगवान जिनको पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आज भगवान कहाँ पर, हमारे घर में बैठे, जब इच्छा दर्शन कर लो, सवेरे मंगलार दर्शन कर लो, दोपहर का दर्शन कर लो, शाम का दर्शन कर लो, हैं भगवान को जब इच्छा ठाकुर का दर्शन कर लो, जब इच्छा ठाकुर को भोग लगा कर खाना खाओ, ठाकुर जी को क्या करो, ठाकुर जी का जैसे जन्म उत्सव है, ठाकुर को स्नान कराए होंगे, हैं जो भगवान को ब्रह्मा भी जिनकी ध्यान से जिनको पा नहीं सकते, लेकिन हमारे घर में बैठे हुए किसको उनका हाथ में बैठा कर स्नान करा देना, हाथ में बैठा कर पोछा लगा उनको ठाकुर को, स्नान के बाद में ठाकुर जी को पानी को पोछते हैं, ठाकुर को तिलक लगा देते हैं, ठाकुर को श्रृंगार करते हैं, ऐसे जो दुर्लभ वस्तु अभी हमारे घर में, ठाकुर जी घर में आ गए हमारी, है ठाकुर जी बड़े दयालु, जैसे गर्मी का समय में अगर ठाकुर जी गर्मी लगे ना, ठाकुर कभी बोलते नहीं बोले हवा करो, ठाकुर अगर बोलने लग जाए ना बोले गाज, बोले घर से निकल तू, जरूरत नहीं, बोले यार क्या इसमें ज्यादा नमकीन दे दिया, इसमें ज्यादा हाँ खट्टा दे दिया, उसमें ज्यादा मिर्च दे दिया, ठाकुर बोलते ही कुछ बोलते नहीं, जो दो ठाकुर जी वही खा लेते। गर्मी का समय गर्मी लगे ना हम तो रह नहीं सकते, ठाकुर जी बोलते बैठ करते हवा करो, नहीं ठाकुर जी बैठे हुए हमारे सेवा को, ठाकुर जी सारे सेवा को ग्रहण कर रहे हैं ठाकुर जी। इसलिए तब भगवान जगत में क्यों आए, किस लिए आए, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, कहते ठाकुर जी हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर जी आए, ठाकुर जी कृपा करने के लिए आए। इसलिए घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, ये मत समझो कुछ देख रही रहे, खा नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ये सब कुछ करते हैं। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया यशोदा जैसे लाड़ाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नाचते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते, ठाकुर जी सब कुछ करते, ऐसे कोई काम नहीं जो ठाकुर जी नहीं कर सकते, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी यही ठाकुर बात करते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, सब कुछ ये ठाकुर जी करते हैं। लेकिन ऐसे हमारे अंदर में भक्ति बनी चाहिए तब ठाकुर जी करते हैं। एक स्टोरी सुन लो, ध्यान दे रहे, जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हो, जगन्नाथपुरी कौन गए हो, गए ना, अब देखना ठीक, जगन्नाथपुरी से पहले एक स्टेशन जिसका नाम है साखी गोपाल, सुना कि नहीं साखी गोपाल, साखी गोपाल कौन कौन देखे हो, देखे हो ना साखी गोपाल जी, देखो साखी गोपाल जी को, तुलसी दीदी देखी नहीं, तो हाथ में ऐसे क्यों ऊपर से उठाओ ना, इतना छोटा क्यों उठाए पूरा ऐसे अच्छे तरह से, इसलिए सुना देखो ठाकुर जी अब प्रसाद बन गया कि नहीं, बन गया रेडी, हां रेडी है प्रसाद तो, हां अब 2 मिनट में, इसलिए देखो हरे कृष्ण, देखो साखी गोपाल
कहते दो ब्राह्मण थे, एक बूढ़े और एक जवान। दोनों ब्राह्मण तीर्थ में गए। वो जो जवान ब्राह्मण था, बूढ़े ब्राह्मण की बड़ी सेवा की, इतने सेवा की, पिताजी से सेवा की। जब घूमते घूमते वृंदावन में आए, वहां पर श्री रंग जी मंदिर जानते हो, उसके सामने पहले गोपाल जी, वही गोपाल जी पहले वहीं पर थे, उसी मंदिर में रात भर रुके। जो बूढ़े ब्राह्मण था, छोटे ब्राह्मण को बोले, देख बेटा, अगर तू नहीं होता है ना, ये तीर्थ कभी मैं नहीं घूम सकता था। तेरे सहारा से ये तीर्थ मैंने घुमा है, तेरे पर मैं बहुत खुश, बेटे से भी तूने ज्यादा सेवा की। देख मेरे घर में एक बेटी है, मैं जब वापस जाऊंगा ना, मैं अपना बेटी को तेरे साथ में शादी दूंगा। वो जो जवान था बोले, देखो आप मेरे पिता के बराबर है, आपको बेटी से शादी करने के लिए मैंने सेवा नहीं की। आप बुजुर्ग आदमी पिता तुल्य, इसलिए पिता मानते रहे, मैंने सेवा की इसलिए बेटी की शादी करने के लिए नहीं। और दूसरी बात है, वो दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन जो छोटा ब्राह्मण, वो छोटे जाति का ब्राह्मण, बड़ा बड़ा जाति का ब्राह्मण बोले, आप तो बोल रहे हो शादी दोगे, लेकिन घर वाले राजी नहीं होंगे, घर वाले राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैं छोटे जाति का ब्राह्मण, ब्राह्मण होने पर भी बड़ा जो ब्राह्मण था ना, बोले बेटी मेरी है, मैं शादी दूंगा। वो क्या करने वाले, बोले घर में जाकर फिर मुकर गया तो, बोले ये ठाकुर को साखी करके बोलता, ये गोपाल जो साखी करके बोलता हूँ, घर में जरूर तेरे साथ में बेटी को शादी दूंगा। वापस आया बूढ़े ब्राह्मण, घर में बैठाया बच्चों को, बोले ऐसे ऐसे बात, जितने बच्चे तो बिगड़े गए, बोले क्या आपको पता नहीं, हम बड़ी जाति के ब्राह्मण और छोटे जाति का ब्राह्मण, ये हमें समाज हमें क्या बोलेगा, हैं समाज हमें क्या बोलेगा, अगर हमारा बहन को शादी दिया ना, जहर खाकर मर जाएंगे हम सब। बोले हमने जो ठाकुर को साखी दे करके बोला, बोले ठाकुर थोड़ी बोलते हैं, वो तो पत्थर है ना, वो तो पत्थर है, ठाकुर थोड़ी बोलते हैं इतने। बोले देखो अगर वो व्यक्ति आया ना, आप केवल इतनी सी बात बता देना, मैंने क्या बताया था मेरा याद नहीं, फिर हम सब काम कर लेंगे। वो जवान ब्राह्मण आया, बोले आप तो बताया था बेटी को शादी देंगे, आगे चुप कैसे हो गए। इतने में वो बोल दिया, मैंने क्या बोला नहीं बोला मेरी याद नहीं, बस इतने में बच्चों को सुजोग मिला, डंडे लाए, बोले दुष्ट, पिताजी को साथ में गया, धदुरा खिला करके पिताजी का बुद्धि खराब कर दिया और पैसा ले लिया, फिर हमारे बहन से शादी करना चाहते हो, डंडे लेकर के आए। उसने तो भाग गया, ग्राम पंचायत को बुलाया, बोले ऐसे ऐसे उसने कहा था, हाँ साखी करके ठाकुर जी को, मेरे बेटी को साथ में शादी करोगे, यहाँ आकर मुकर गया। बोले तुम्हारी कोई साखी है, बोले ठाकुर जी। बच्चों ने कहा जाता ठाकुर को बुला कर ले आ, जब ठाकुर जी आकर बोलेगा ना फिर शादी करना। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी जरूर बोलेंगे, ठाकुर जी साखी जरूर देंगे। वो गया वृंदावन, आया चलते चलते जगन्नाथपुरी से, उसने ठाकुर जी को बोले, हैं ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात, आपको साखी करके वाला शादी दिलाएगा, यहाँ आकर मुकर गया, इसलिए आपको चलना पड़ेगा पूरी। ठाकुर जी बोल पड़े, देखो कहते ना, कोई कहते हैं भगवान बोलते नहीं, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले तुमने कभी सुने हो ठाकुर कभी चलते हैं, तुमने कभी सुने हो, बोले ठाकुर चलते नहीं, ठाकुर कभी बोलते हैं, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे जब बोल रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा पूरी, नहीं तो वो ब्राह्मणों का बदनामी, आपका ही बदनामी, मेरी भी बदनामी होगी, चलना पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए। ठाकुर जी बोले देखो इतना दूर चल करके जाऊंगा, इतना दूर चल करके जाऊंगा, लेकिन भूख लगेगा ना, थोड़ी सी मेरे को खिचड़ी खिलाओ, एक किलो चावल का खिचड़ी खिलाओ। तो उन्होंने एक किलो चावल का उन्होंने खिचड़ी बनाया और खिचड़ी बना करके सचमुच से ठाकुर को खिलाया, तो ठाकुर सारी खिचड़ी खा ली, ठाकुर जी सारी खिचड़ी खा लिए। बोले देख बेटा मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन एक काम करियो, कभी पीछे मोड़ करके देखना नहीं, जहां मोड़ करके देखोगे ना मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। बोले पता कैसे चलेगा, बोले मेरे प्यार में नुपुर बंधा हुआ, इसका छम 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 आवाज आएगा, इससे तुम्हें पता चलेगा मैं आ रहा हूँ। सचमुच से ठाकुर चलते चलते कहां से वृंदावन से चलते चलते उड़ीसा चले गए, ठाकुर चले गए उड़ीसा। अभी वहां पर नदी में, वहां पर रेती था, अभी ठाकुर का प्यार धसना शुरू किया, और जो नुपुर की छम छम आवाज आ रही थी ना, वो आवाज हो गया बंद। उसने देखा अभी तक तो आवाज आ रही थी, अभी तक आवाज बंद कैसे हो गया, हो ना हो ठाकुर तो वही रुक नहीं गए, अगर मैं जा करके देखूं ठाकुर है नहीं, दुनिया बोलेगा क्या क्या ठाकुर जी आए हैं। बोले पास में तो आ गया, अभी देख लेता हूँ, अगर ठाकुर जी रुक भी गए ना, पास में तो आ गया, बुला कर ले आऊंगा। ऐसे मोड़ करके देखा, ठाकुर जी वहीं पर बंसुरी बजाते बजाते खड़े हो गए। बोले बेटा और मैं नहीं चलूंगा, जाओ तुमने मोड़ करके देख लिया, सबको बुला करके ले आओ।
उसने जाकर के हल्ला मचा दिया। वृंदावन से साकी गोपाल जी आए, वृंदावन से गोपाल जी आए चलते चलते। राजा सुन करके बोले वृंदावन से चल चल करके आए ठाकुर जी पूरी तक। पहले राजा लोग बड़े भक्त होते थे, राजा रानी राज्य समेत मंत्री समेत सबके सब गए। सचमुच से ठाकुर सबको सामने साखी दिया, बोले ये ब्राह्मण जो बोल रहा है सही बोल रहा है और वो जो वृद्ध ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। मेरे को साखी किया था लेकिन बच्चों का दबाव में आ करके वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ में साखी किया था, एकदम प्रमाण हो गया। तब से ठाकुर का नाम पड़ गया साखी गोपाल। अभी रानी आई थी देखने के लिए, ठाकुर जी बहुत सुंदर थे। अभी रानी बड़ी भक्त थी, उसने सोचा मेरे पास में हीरे की एक बेसर है, अगर ठाकुर का नाक में छेद होता था ना, मैं ठाकुर को नाक में मैं पहना देती। इतना केवल सोच करके रानी चली गई। जब रानी जब सो गई ना, ठाकुर जी सपने में आए, बोले महारानी मेरे को बेसर पहनाने की इच्छा है ना, मैं जब बच्चा था ना गोपाल था, मेरी मैया ने मेरे नाक में एक छेद बना करके रखा, अभी भी वो छेद है लेकिन वो धूल में जम गया है, तुम आकर नाखून से हटाना, देखना अभी भी वो छेद है, उसमें हीरे का बेसरा लाओ पहना दो। उसने राजा को सारी बात बताया, राजा बोले स्वप्न दिया, बोले हाँ, बोले चलो बेसर लेकर के आए तो देखा ठाकुर का नाक में छेद है, मिट्टी हटाए तो छेद है, फिर उसमें ठाकुर जी को पहनाया। अभी पहले गोपाल अकेले थे, लेकिन अकेला कहाँ मन लगता है राधा रानी के बगैर, उनको अकेले खड़े कर दिए, बोले मेरी राधा है नहीं मन कैसे लगेगा। इतने में जो ब्राह्मण था ना जो पूजा करता था उसकी बेटी बन करके राधा रानी आई। हाँ बेटी बन करके आई, वो रोज सुंदर सुंदर ठाकुर जी को माला बनाती है, खुद पहन करके ठाकुर जी को देती है। अभी ठाकुर जी को तो मंदिर में सुलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, वो सोते हैं उसकी बेटी के पास में रोज जाकर। इतने में नियम है ना, ठाकुर को जगाते समय बेल बजाओ। अभी ठाकुर जी उनको बेटी के पास में सो रहे थे, अब पुजारी यहाँ पर बेल बजाया, अब ठाकुर जी के मंदिर खोलने के लिए जो उन्होंने बेल बजाया ना, ठाकुर जी कहाँ पर थे, ठाकुर जी थे वो बेटी के पास में, ठाकुर जी सो रहे थे। इतने में ठाकुर जी जल्दी जब वहां से आए ना, अपना सोने की बंसरी छोड़ करके आ गए। इसलिए उन्होंने सोने की बंसरी छोड़ करके उन्होंने आ गए, और पुजारी जी ने देखा भैया ठाकुर की सोने की बंसुरी कहाँ है। उसने पुजारी ने हल्ला मचा दिया, ठाकुर का जो सोने की बंसुरी चोरी हो गई। राजा सियाज लगा दिया, देखो सोने की बंसुरी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते वो सोने की बंसुरी मिली कहाँ पर, ये बेटी की घर में सोने की बंसुरी मिली। राजा बोले दुष्ट, खुद सोने की बंसुरी चोरी कर लिया और तुमने हल्ला मचा दिया, चोरी हो गई, पुजारी को बंद कर दो जेल में। अभी पुजारी को जेल में बंद कर दिया। ठाकुर जी ने देखा मेरे ससुर साहब जेल में बंद हो, मैं इन्हें बंसुरी छोड़ करके आया और मेरे ससुर सी जेल में बंद हो गए। इतने में साखी गोपाल स्वप्न दिया, बोले महाराज आप मेरे को अकेले खड़े कर दिए, राधा जी के बगैर मेरे मन नहीं लगता है, हाँ राधा के बगैर कृष्ण आधा है, इसलिए इनकी बेटी रूप में राधा रानी मेरी इनकी बेटी बन करके आई। मेरे को तो पुजारी सुलाता है मंदिर में, लेकिन मैं रोज जाकर को बेटी को पास में बेटी को पास में सोता हूँ। देखो वो जो बेटी है ना राधा रानी के अंश से जन्म हुई, मेरी भंडारा में जितने सोने की अलंकार ले जाओ और बेटी को दुल्हनी बनाओ, पालकी में बैठाओ और गाजे बाजा को साथ में ले आओ, शादी करवा। राजा बोले हे भगवान, भगवान के ससुर साहब को मैंने जेल में बंद कर दिया, जा मेरे जेल से खुलाया, फिर वो बेटी को दुल्हनी बनाए, गाजा बाजा को साथ में ले आए, फिर तो बड़े धूमधाम से लड़की को साथ में ठाकुर को शादी कराए। जब अंदर में घुसा दिया ना, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। फिर दरवाजा खोल कर देखते ठाकुर जो राधा रानी है ना उनकी बेटी गाय, वहां पर बेटी है ही नहीं, हाँ बेटी नहीं है। उसको बाद में फिर राधा रानी को सुंदर रूप में वहां स्थापन किया गया। इसलिए कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाए, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जैसे, बाबा तुम सब पंडित लोग हो, इसलिए ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। इसलिए घर में आज ठाकुर का जन्मतिथि है, ठाकुर का जन्मतिथि, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ये मत समझे ठाकुर जी कुछ कर नहीं रहे। इसलिए नियम है, ध्यान से सुनो, नियम है ठाकुर जी को सेवा कैसे करनी चाहिए, आत्मव्रत। आत्मव्रत मतलब जैसे गर्मी का समय में पतली कपड़ा पहनते हैं और ठंडी में मोटी कपड़ा ठाकुर को कैसे पहनानी चाहिए, जैसे गर्मी में ठंडा पानी में नहाते हैं
और ठंडा समय में गर्मी पानी में, ऐसे नहीं खुद तो पानी गर्म करके ठंडा में गर्मी में नहा लिया, ठाकुर को ठंडा पानी में स्नान कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। दिन में दो बार कपड़ा बदला देते हैं, ऐसे नहीं ठाकुर 15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे, अपना तो 2-3 बार दिन में कपड़ा बदला देते, अपना अलमारी में तो हैंगर में तो कपड़ा बड़े सुंदर सुंदर सजा कर रखे, ठाकुर जी एक दो सेट बस 15 दिन में एक बार ठाकुर कपड़ा बदला लो, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं। पहले अपना बच्चों के लिए तो कपड़ा देखो 10 सेट होगा, ठाकुर जी के लिए 2 सेट पड़ा हुआ, नहीं पहले अपना बच्चे के लिए खरीदी करने से पहले देखो ठाकुर जी के लिए है कि नहीं, अपना लिए कपड़ा खरीदी करने से पहले पहले क्या देखो ठाकुर जी के लिए है कि नहीं, पहले ठाकुर जी फिर हमारी, ठीक है ना, पहले ठाकुर जी के, पहले 20 सेट ठाकुर का कपड़ा है, 100 सेट है, हैं? अगर हमारे पास में 15 सेट कपड़ा है, लेकिन जब कोई त्योहार आता है ना होली, नहीं हमें पति को पास में नए साड़ी चाहिए, पति अगर बोला अरे इतना साड़ी तो और कितना पहनोगे, पैसा कौन साड़ी खरीदी करने के लिए जाता है, बोले पैसा मेरे को दे दो मैं खुद खरीद कर ले आऊंगा, बोलते कि नहीं, इसलिए पहले अपना लिए नहीं खरीदी करो, किसके लिए करो, पहले ठाकुर के लिए। द्रौपदी ठाकुर को अंगुल कट गया, थोड़ा बैंडेज कर दिया, भगवान क्या किया भरी सभा में उसकी लाज बचाई, ठाकुर जी भरी बचाए कि नहीं बचाए ठाकुर जी, इसलिए पहले ठाकुर जी के लिए उसके बाद में हमारे लिए। लेकिन दुनिया के लिए भले ही आप जितना करो ना, ये दुनिया में आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो, आप बताओ अभी तक सभी को सेवा कर रहे हैं, अभी तक हमारे ऊपर कोई खुश हुए हैं, पत्नी को खुश कर पाए ना, पति को खुश कर पाए ना, बच्चे को सेवा करते करते खुश कर, कोई खुश कर पाए हो, अगर थोड़ी सी इतने से कोई कमी हो जाए ना, जिंदगी भर किया अगर थोड़ी सी कोई भूल चूक हो जाए, झट बोलेंगे तुम हमारे लिए क्या किए, बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए, ये दुनिया के किसी खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन ठाकुर को खुश कर लो ना, भगवान को खुश कर दो, वो अगर खुश हो गए ना विश्व ब्रह्मांड खुश हो गए, ठीक है। इसलिए आज भगवान की जन्मतिथि है, आज हमारे हाँ मधु दीदी की बेटी, क्या नाम बेटी मैया का, राधिका, राधिका और सारे उनके बच्चे, उनका परिवार आज घर में संतों को बुलाए, घर में हरी कथा हरी चर्चा की, जैसे बच्चे का बर्थडे बना देगी नहीं बच्चा देगी ना, इसलिए बच्चे का तो बर्थडे बनाते हैं, इसलिए लेकिन बर्थडे किसकी बनानी चाहिए, ठाकुर जी की बर्थडे, श्री ठाकुर जी के लिए बनाओ, ठीक है ना, सबको बुलाओ, कीर्तन कराओ, सत्संग कराओ, बस ठाकुर जी खुश होएंगे। जैसे बच्चे का बर्थडे हो उसके लिए क्या करते हैं, केक कटवाते हैं, हैं? उसके लिए नया कपड़ा धारण करवाते हैं, लेकिन करवा तो किसके लिए करो, ठाकुर जी के लिए करो, वो बैठे बैठे कर देखते हैं, देखो आज मेरी जन्मतिथि, संतों को बुलाए, हरी कथा हो रही है, मेरी कथा करवा रहे, कीर्तन हो रहे, ठाकुर जी बड़े खुश होते होंगे, हैं? और बच्चे का बर्थडे हो उनको कितना प्रेजेंटेशन हम देते हैं, आज भी भगवान को प्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है ना। निताई गौर प्रेमानंदे तुलसी वृंदावन बिहारी लाल तुलसी कृष्ण कन्हैया की जय। हाँ सबको भूख लग गया, जब प्रसाद ले आओ।